कर लो जो लौट के घर ना आए। नमस्कार, स्वागत है आपका SBN 9 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रुति। जम्मू कश्मीर में साल 2019 में 14 फरवरी को हुए आतंकी हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया था। इस आतंकी हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किया धमाका इतना भयंकर था कि बस के परखच्चे उड़ गए थे। इसके बाद घात लगाए आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग भी की। कई जवान मौके पर शहीद हो गए थे। धमाके के बाद धुएं का गुब्बार छटा तो दूर तक सड़क खून से लथपथ नजर आ रही थी। जगह जगह मलबा फैला था। इन्हीं के बीच जांबाजों के शव पड़े थे। हमला थमने के कुछ ही देर बाद बचाव कार्य शुरू किया गया। आत्मघाती धमाके के बाद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही आतंकियों ने CRPF की 78 गाड़ियों के काफिले पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी में कुछ जवान घायल हुए। इसके बाद फायरिंग करने वाले आतंकी फरार हो गए। हमला थमने के कुछ ही देर बाद फिर से बचाव कार्य शुरू किया गया। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद ने ली थी। तो चलिए बताते हैं आपको इस हमले में शहीद लोगों के बारे में। जी हाँ, इससे पहले बता दें आपको कि ये इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे पहले शहीद की बात करते हैं पंकज कुमार त्रिपाठी। CRPF के 53वीं बटालियन के कांस्टेबल पंकज कुमार त्रिपाठी भी जम्मू कश्मीर में हुए आत्मघाती हमले में शहीद हो गए थे। पंकज उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के हरपुर गांव के रहने वाले थे। हमले वाले दिन सुबह 10 बजे उन्होंने अपनी पत्नी से फोन पर बात की थी। जब शाम को इस हमले की खबर आई तो उन्होंने दोबारा कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। वही बात करें तिलक राज की। पुलवामा आतंकी हमले में कांगड़ा के ज्वाली के नाड़ा पंचायत के धीवा गांव के तिलक राज शहीद हो गए थे। वो CRPF के 76वीं बटालियन में तैनात थे। अजीत कुमार आजाद 115 बटालियन। अजीत कुमार आजाद उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के रहने वाले थे। इस वीर सपूत ने देश के लिए अपना जीवन दे दिया। उन्होंने साल 2007 में अपनी पहली पोस्टिंग पाई थी। प्रदीप सिंह 115 बटालियन। जम्मू कश्मीर में CRPF की बस पर हुए आत्मघाती हमले में शहीद प्रदीप सिंह यूपी के कन्नौज जिले के अजान गांव के रहने वाले थे। प्रदीप सिंह ने साल 2003 में CRPF का हिस्सा बने थे। श्याम बाबू 115 बटालियन। श्याम बाबू उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में स्थित रायगवान नोनारी के रहने वाले थे। 6 साल पहले वैवाहिक बंधन में बंधे श्याम बाबू को पहली पोस्टिंग साल 2005 में मिली थी। रमेश यादव। रमेश यादव CRPF के 61वीं बटालियन में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे। पुलवामा आतंकी हमले में वो शहीद हो गए थे। अवधेश कुमार यादव। शहीद अवधेश कुमार यादव CRPF के 45वीं बटालियन में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे। वो जम्मू कश्मीर में हुए आत्मघाती हमले में शहीद हो गए। राम वकील। शहीद राम वकील CRPF के 176वीं बटालियन में हेड कांस्टेबल के रूप में कार्यरत थे। आतंकी हमले से कुछ ही दिन पहले उनकी पत्नी से बात हुई थी। शर्मन लाल की मौत 5 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। वीरेंद्र सिंह। पुलवामा हमले में शहीद वीरेंद्र सिंह CRPF के 45 बटालियन में तैनात थे। वो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के मोहम्मदपुर भूरिया गांव के रहने वाले थे। अमित कुमार 92 बटालियन। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के रायपुर के रहने वाले अमित ने साल 2017 में CRPF को ज्वाइन किया था। वो अपने परिवार के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय सेना का हिस्सा बने थे। प्रदीप कुमार CRPF के 21वीं बटालियन में कांस्टेबल प्रदीप कुमार इस हमले में शहीद हुए। प्रदीप कुमार ने साल 2003 में CRPF को ज्वाइन किया था। अश्विनी कुमार काउची
सीआरपीएफ के 35 बटालियन में कार्यरत शहीद अश्वनी कुमार का ओची मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले थे। पांच भाई बहनों में सबसे छोटे अश्वनी साल 2017 में सीआरपीएफ को ज्वाइन किया था। कौशल कुमार रावत 115 बटालियन। शहीद कौशल कुमार रावत उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के केहराई गांव के रहने वाले थे। परिवार ने बताया कि उनसे हमले के एक दिन पहले फोन पर बात हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी पोस्टिंग किसी दूसरे जगह हो गई है, जिसे उन्हें कल ज्वाइन करना है। इससे पहले कौशल कुमार सिलीगुड़ी में पोस्टेड थे। महेश कुमार 118 बटालियन। महेश कुमार इस आतंकी हमले से कुछ ही दिन पहले एक सप्ताह की छुट्टी पर घर गए थे, जिसके बाद वापस आकर दोबारा ड्यूटी ज्वाइन की, लेकिन घर वालों को क्या पता था कि बेटा अब तिरंगे में लिपट कर ही आएगा। वो इस आतंकी हमले में शहीद हो गए। महेश और संजू की शादी साल 2011 में हुई थी। उनके दो बच्चे हैं, पहला बेटा 7 साल का समर है और दूसरी 6 साल की समीर। विजय कुमार मौर्य। शहीद विजय कुमार मौर्य सीआरपीएफ के 92 बटालियन में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे। विजय यूपी के देवरिया जिले के छपिया जयदेव गांव के रहने वाले थे। विजय कुमार ने साल 2008 में सीआरपीएफ को ज्वाइन किया था। जयमाल सिंह। शहीद जयमाल सिंह सीआरपीएफ के 76वीं बटालियन में हेड कांस्टेबल के पोस्ट पर कार्यरत थे। उनकी हमले के दिन सुबह में ही पत्नी से फोन पर बात हुई थी। वो हमले की चपेट में आई बस के ड्राइवर थे। मनिंदर सिंह अत्री 75 बटालियन। पंजाब के गुरदासपुर जिले के दीनानगर में रहने वाले मनिंदर सिंह अत्री भी उस हमले में मात्र 27 साल की उम्र में शहीद हो गए। उनके छोटे भाई भी अर्धसैनिक बल में पोस्टेड हैं। पिता सतपाल अत्री रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं। शहीद के एक मित्र ने बताया कि मनिंदर खेल में बहुत रुचि रखते थे। नितिन शिवाजी राठौर। शहीद नितिन शिवाजी राठौर महाराष्ट्र के रहने वाले थे। वो सीआरपीएफ के 03 बटालियन में कांस्टेबल पद पर कार्यरत थे। नितिन ने हमले के कुछ देर पहले ही अपनी पत्नी से बात की थी। किसी को ये नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी बातचीत होगी। नितिन के जीवन और जीविशा नाम के दो बच्चे हैं। हेमराज मीणा 61 बटालियन। हेमराज मीणा राजस्थान के कोटा स्थित विनोद कला के रहने वाले थे। शहीद हेमराज अपने पीछे दो बेटे और दो बेटियों को छोड़कर गए। नसीर अहमद 76 बटालियन। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के रहने वाले नसीर अहमद पुलवामा में हुए हमले में शहीद हो गए थे। वो 2014 में पुलवामा में आई भीषण बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य में शरीक हुए थे और ठीक 5 साल बाद उसी जगह पर शहीद भी हो गए। सुखजिंदर सिंह 76 बटालियन। सुखजिंदर सिंह को इस आतंकी हमले से 7 महीने पहले ही प्रमोशन मिला था। तरक्की मिलने के बाद घर में बेटे गुरजोत सिंह ने जन्म लिया था। पति को खोने वाली सरबजीत कौर ने पति के शहादत पर गर्व जताया। गांव में गदरी बाबा संता सिंह की यादगार बताती है कि ये गांव शहीदों का है। गांव की आबादी करीब 1300 है, इसमें से 40 युवा सेना और सीआरपीएफ में तैनात है। करीब 150 पूर्व सैनिक है। विजय सोरेंग 82 बटालियन। शहीद विजय सोरेंग झारखंड के गुमला जिले के फरसामा के रहने वाले थे। विजय एक सप्ताह पहले ही घर आए हुए थे। उनके पिता भी सेना में हैं, जबकि उनकी पत्नी भी झारखंड पुलिस में है। मनोज कुमार बेहरा। इस आतंकी हमले से पहले दिसंबर में मनोज अपने घर गए थे, जहां उन्होंने अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। इसके बाद वो 7 फरवरी को दोबारा ड्यूटी पर लौट गए थे। जम्मू कश्मीर में ये उनकी दूसरी पोस्टिंग थी। सीआरपीएफ के 82 बटालियन में पोस्टेड मनोज कुमार बेहरा अपने पीछे पत्नी और बेटी को छोड़कर गए। हमले के कुछ घंटे पहले ही उन्होंने पत्नी से बात की थी। संता कुमार विवी 82 बटालियन। संता कुमार विवी सीआरपीएफ के 82वीं बटालियन में कार्यरत थे। वो केरल के वायनाड स्थित कुन्नाथीडा वाका लकीड़ी के रहने वाले थे। जिस दिन आतंकी हमला उससे उसी दिन बस में बैठने से पहले वसंता ने अपनी माँ को फोन किए थे कि वो नई बटालियन को ज्वाइन करने के लिए जाने वाले हैं।
उन्होंने माँ से ये वादा किया था कि श्रीनगर पहुंचकर दोबारा फोन करेंगे। सुब्रमण्यम जी, शहीद कांस्टेबल सुब्रमण्यम जी सीआरपीएफ के 82 बटालियन में कार्यरत थे। वो तमिलनाडु के तूतीकोरिन के रहने वाले थे। उन्होंने हमले के दिन दोपहर में कॉल कर घर अपनी पत्नी से बात की थी। सुदीप विश्वास, शहीद सुदीप विश्वास अपने परिवार के इकलौते कमाऊ सदस्य थे। उनके पिता सन्यासी विश्वास फार्म में कर्मचारी हैं। सुदीप ने साल 2014 में सीआरपीएफ ज्वाइन किया था। मनेश्वर सुमातारी, आतंकी हमले से पहले मनेश्वर एक महीने की छुट्टी बिताकर 4 फरवरी को दोबारा ड्यूटी पर लौटे थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि वो घर के नजदीक पोस्टिंग की कोशिश करेंगे। वो बोडो समुदाय के थे। मनेश्वर सीआरपीएफ के 98 बटालियन में पोस्टेड थे। सी शिवचंद्रन, हमले से ठीक दो घंटे पहले ही शहीद सी शिवचंद्रन ने अपनी गर्भवती पत्नी से बात की थी, लेकिन किसे पता था कि ये उनके बीच की आखिरी बातचीत होगी। शिवचंद्रन ने साल 2010 में सीआरपीएफ ज्वाइन किया था। कुलविंदर सिंह 92 बटालियन, शहीद कुलविंदर ने हमले के दिन सुबह ही घर बात की थी और घर के मरम्मत को लेकर बातचीत की थी। जीतराम, पुलवामा हमले में शहीद जीतराम राजस्थान के भरतपुर जिले के सुंदरवली के रहने वाले थे। वो सीआरपीएफ के 92 बटालियन में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे। गुरु एच, शहीद एच गुरु सीआरपीएफ के 82 बटालियन में कार्यरत थे। कुछ समय घर पर रहने के बाद उन्होंने 10 फरवरी को ड्यूटी दोबारा ज्वाइन की थी। उन्होंने श्रीनगर जाते हुए अपने घर पर बात की थी। बबलू संतारा 35 बटालियन, सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत बबलू संतारा भी गुरुवार को पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले में शहीद हो गए थे। उन्होंने अगले महीने 3 मार्च को घर जाने का प्लान भी बनाया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वो इसके लिए टिकट की बुकिंग भी कर चुके थे। वो अपने नव निर्मित घर की पेंटिंग के लिए गाँव आने वाले थे। पीके साहू, शहीद प्रसन्ना कुमार साहू, बता दें आपको सीआरपीएफ के 61 बटालियन में कार्यरत थे। वो उड़ीसा के जगत सिंहपुर के शिखर गांव में रहने वाले थे। भगीरथ सिंह, शहीद भगीरथ सिंह सीआरपीएफ के 45वीं बटालियन में कांस्टेबल के पोस्ट पर कार्यरत थे। उन्होंने 6 साल पहले सीआरपीएफ को ज्वाइन किया था। संजय कुमार सिन्हा, शहीद संजय कुमार सिन्हा सीआरपीएफ के 176 बटालियन में पोस्टेड थे। वो बिहार के पटना जिले के रहने वाले थे। इस आतंकी हमले से पहले वो महीने भर की छुट्टी बिताकर 8 फरवरी को वापस ड्यूटी पर लौटे थे। उन्होंने जाते समय कहा था कि वो जल्द ही 15 दिन की छुट्टी पर वापस घर आएंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। नारायण लाल गुर्जर, 118 बटालियन सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल नारायण लाल गुर्जर राजस्थान के राजसमंद जिले के बिनोल के रहने वाले थे। संजय राजपूत, सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल शहीद संजय राजपूत 115वीं बटालियन में तैनात थे। संजय ने साल 1996 में सीआरपीएफ ज्वाइन की थी। हमले के दिन दोपहर में उन्होंने अपने एक रिश्तेदार से फोन पर बात की थी। मोहनलाल, शहीद मोहनलाल सीआरपीएफ के 110 बटालियन में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के बनकोट के रहने वाले थे। आतंकी हमले में साल भर पहले ही मोहनलाल ने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए फैमिली को देहरादून शिफ्ट किया था। उन्होंने साल 1988 में सीआरपीएफ ज्वाइन किया था। रतन कुमार ठाकुर, सीआरपीएफ के 45 बटालियन में तैनात रतन कुमार ठाकुर ने हमले के कुछ ही देर पहले अपनी पत्नी से बात की थी। उन्होंने बातचीत में कहा था कि वो शाम तक श्रीनगर पहुंच जाएंगे। शहीद रतन ने साल 2011 में सीआरपीएफ ज्वाइन की थी। रोहितास लांबा, शहीद रोहितास लांबा सीआरपीएफ के 76वीं बटालियन में कांस्टेबल के पोस्ट पर कार्यरत थे। वो राजस्थान के जयपुर जिले के गोविंदपुरा के रहने वाले थे। शहीद रोहितास पिछले साल 10 दिसंबर को पिता बने थे, लेकिन वो उस समय घर नहीं आ सके थे। वो जनवरी में अपने बेटे को देखने के लिए घर पहुंचे थे। ये जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज उन शहीदों को हम याद करते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मुझे यानी कि श्रुति तिवारी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।